नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और रैपिड फायर सीरीज में। जो आज का चैप्टर है वो है आपकी देश राजधानी मुद्राएं। काफी लोगों की डिमांड थी कि सर देश राजधानी मुद्राओं को भी लेकर के आप रैपिड फायर सीरीज में लेकर के आइए। तो ध्यान रखिए, यहां पर हम उन सारे इंपॉर्टेंट देश के बारे में जानेंगे जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड में है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, इन सारी चीजों को आप एक एक करके देखते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि कनाडा की जो राजधानी है वो कनाडा की राजधानी कहां है। तो ध्यान रखेंगे, कनाडा की राजधानी और मुद्राओं को हम एक ही क्वेश्चन में देखते हुए चलेंगे। तो कनाडा की राजधानी जो है वो ओटावा है, यहां की मुद्रा आपकी डॉलर है। मैक्सिको की जो राजधानी वो मैक्सिको सिटी है और यहां की मुद्रा आपकी पीसो है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी आपके वाशिंगटन डीसी, यहां की मुद्रा आपकी डॉलर है। एंटीगुआ और बरमूडा, अगर एंटीगुआ और बरमूडा की राजधानी की मैं बात करूं तो यहां की राजधानी आपकी सेंट जॉन्स है और यहां की जो मुद्रा आपकी चलती है ना वो मुद्रा आपकी कोलन चलती है। ब्राजील की राजधानी आपकी ब्राजीलिया है, यहां पर रियाल मुद्रा चलती है। अर्जेंटीना की राजधानी की बात करूं मैं तो ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है, यहां की मुद्रा आपकी अर्जेंटीनो है। ट्रिनिडाड और टोबैगो, अगर ट्रिनिडाड और टोबैगो की राजधानी की बात करूं तो पोर्ट ऑफ स्पेन यहां की राजधानी है, डॉलर यहां पर चलता है। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है, यहां पर रेनमिनवी है, इसी की एक आधिकारिक प्रणाली युआन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी आपको पता है इस्लामाबाद, और यहां पर पाकिस्तानी रुपया चलता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहां पर नेपाली रुपया चलता है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुर कोटे, और यहां पर श्रीलंकाई रुपया चलता है। बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है और यहां पर आपका जो मुद्रा चलता है वो टका चलता है। बांग्लादेश में इस समय देख ही रहे हैं आप, हालत जानते ही होंगे। भूटान की राजधानी क्या है, आपकी थिम्पू है, यहां की मुद्रा नगुल्ट्रम है, ध्यान रखिएगा, यहां पे भारतीय रुपया भी चलता है। म्यांमार की राजधानी आपकी नैपीजा है और यहां की मुद्रा आपकी क्यात है, बताया ही था मैंने। ईरान की राजधानी आपकी तेहरान है और यहां की मुद्रा जो है आपकी रियाल है, ध्यान रखिएगा। कुवैत की राजधानी और मुद्रा क्या है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, यहां की मुद्रा आपकी दिनार है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहां पर अफगानी रुपया चलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इराक की राजधानी क्या है, इराक की राजधानी आपकी जो है वो बगदाद है और यहां पर दिनार चलता है, ठीक है ना। चलिए, इंडोनेशिया की राजधानी अगर मैं बात करूं तो इंडोनेशिया की राजधानी आपकी जकार्ता है और यहां पर रुपया चलता है, इंडोनेशियाई रुपया चलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसराइल की राजधानी अगर मैं बात करूं तो इसराइल की राजधानी जेरूसलम है और यहां पे न्यू शैकेल चलता है। क्वेश्चन नंबर 21, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और रिंगित यहां की मुद्रा है। टर्की की राजधानी अगर मैं बात करूं तो टर्की की राजधानी आपकी अंकारा है और यहां की जो मुद्रा है वो आपकी 22 में सी हो जाएगा, लीरा यहां की मुद्रा है, बिल्कुल सही। मालदीव की राजधानी आपकी माले है और यहां पर मालदीवियन रुफिया चलता है। अभी भारत ने हाल ही में एक रुपे सेवा शुरू की है मालदीवियन रुफिया को मजबूत करने के लिए। चलिए, उत्तर कोरिया की राजधानी और मुद्रा क्या है, उत्तर कोरिया की राजधानी आपकी प्योंगयांग है और यहां की मुद्रा वॉन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और यहां की मुद्रा वॉन है। वियतनाम की राजधानी की मैं बात करूं तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहां की मुद्रा आपकी डोंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, थाईलैंड की राजधानी आपकी बैंकॉक और यहां पर बहत यहां की मुद्रा का नाम है, जिसे बात भी कहते हैं। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी यहां का कैपिटल है और यहां की मुद्रा आपकी दिरहम है। हांगकांग की राजधानी क्या है, अगर हांगकांग की राजधानी के बारे में मैं बात करूं तो हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है और यहां की मुद्रा जो है आपकी वो डॉलर है। चलिए, ताइपे की राजधानी, देखिए ये उल्टा हुआ है, असल में ताइवान की जो राजधानी है वो ताइपे है और यहां की मुद्रा आपकी डॉलर है, यानी ताइवान की राजधानी ताइपे हो जाएगी, मुद्रा आपकी डॉलर हो जाएगी, ठीक ना। दोहा की राजधानी कतर है और आपका रियाल यहां की मुद्रा है। ओमान की राजधानी मस्कट, आपको पता भी है, यहां पर रियाल मुद्रा चलती है। कंबोडिया की राजधानी नॉमपेन, रियाल यहां की मुद्रा है। टोक्यो की राजधानी, नहीं भाई, जापान की राजधानी टोक्यो है और यहां पर येन चलता है मुद्रा के रूप में, ध्यान रखिएगा, थोड़ा उल्टा हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूबल यहां की मुद्रा है, रूस का रूबल, देखा सुना है ना गाना आपने। जर्मनी की राजधानी जो हो जाएगी वो जर्मनी की राजधानी आपकी कौन सी होती है, तो जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन है। ड्यूश मार्क कुछ इलाकों में चलता है, कुछ जगहों पे आपके यूरो मुद्रा चलती है, यूरोपियन कंट्री है, यूरो मुद्रा स्वीकार कर रखा है। स्पेन की राजधानी अगर मैं बात करूं स्पेन की राजधानी के बारे में 37 नंबर के क्वेश्चन में, तो स्पेन की राजधानी आपकी मैड्रिड है और यहां पे पेसेंटा चलता है यहां की मुद्रा।
नॉर्वे की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो है और यहां पर क्रोन चलता है, 38 का आपका सी हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी अगर डेनमार्क की बात करूं तो कोपेनहेगन यहां की राजधानी है, क्रोन यहां पर भी चलता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रैंक यहां की मुद्रा है। अभी पेरिस में हाल ही में जानते होंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 खेला गया है। स्वीडन की राजधानी, अगर स्वीडन की राजधानी के बारे में मैं बात करूं तो स्वीडन की राजधानी आपकी स्टॉकहोम है, क्रोना यहां की मुद्रा है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी आपको पता है लंदन है, यहां पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है। यूक्रेन की मुद्रा, यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहां की मुद्रा हिरविनिया है, यहां की मुद्रा का नाम हिरविनिया है। नीदरलैंड्स, नीदरलैंड की अगर मैं बात करूं तो नीदरलैंड की राजधानी जो होगी 44 नंबर के क्वेश्चन में वो एम्स्टर्डम है और यहां की मुद्रा गिल्डर है, ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और यहां की शिलिंग यहां की मुद्रा है, ठीक है। आयरलैंड की बात करूं तो आयरलैंड में, आयरलैंड की कैपिटल आपकी डबलिन है, मुद्रा यहां की पाउंड है, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो बेल्जियम की जो राजधानी है ना 47 नंबर के क्वेश्चन में, तो बेल्जियम की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स है और यहां पे फ्रैंक की मुद्रा चलती है, ध्यान रखिएगा ये वही ब्रुसेल्स है जहां पर यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। लग्जमबर्ग की राजधानी और मुद्रा क्या है, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही और यहां फ्रैंक यहां की मुद्रा है। 49 नंबर की क्वेश्चन, इटली की राजधानी रोम है और यहां की लीरा है, यह मिलान सिटी में अभी हाल ही में, ध्यान रखेंगे अभी मिलान सिटी में हाल ही में क्या हुआ है, G7 शिखर सम्मेलन का एक समिट हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये लीरा देखिए कुछ जगहों पे यूरो भी चलता है इटली में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करूं मैं तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, डॉलर यहां पर भी चलता है। चलिए लीबिया की राजधानी अगर मैं बात करूं तो त्रिपोली है, हुन भी कहते हैं, दिनार यहां की मुद्रा है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, रुपया यहां पर भी चलता है, सेशेल्स में भी रुपया चलता है, ध्यान रखिएगा। मोरक्को की राजधानी अगर मोरक्को के बारे में बात करूं 54 नंबर के क्वेश्चन में, तो मोरक्को की राजधानी रबात है, दिरहम यहां की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपकी प्रिटोरिया है, ध्यान रखेंगे रैंड यहां की मुद्रा है। मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा है, पाउंड यहां की मुद्रा है। चलिए सेशेल्स की राजधानी, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, रुपया यहां की मुद्रा है। जिम्बाब्वे की राजधानी आपकी हरारे है, डॉलर यहां की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा जिम्बाब्वे डॉलर यहां की मुद्रा होती है। जिम्बाब्वे की अभी इकोनॉमी हालत कुछ साल पहले देखेंगे तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी और उनकी मुद्राओं से क्वेश्चन रहे, इनसे बाहर आपके जाने की उम्मीद बिल्कुल जीरो है। इनको बार बार आप देख करके रिवाइज कर लिए। इसी तरीके के और रैपिड फायर सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।